इंदौर थाना राजेंद्र नगर में महिला द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी कि उसकी बेटी को श्यामलाल बहला फुसलाकर भगा कर ले गया है। जब पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू की तो पता चला लड़की मंदसौर में है। इस पर पुलिस टीम मंदसौर पहुंची। पुलिस ने लड़की से बरामद कर इंदौर थाने लाकर पूछताछ की। जो लड़की का कहना था कि पहले मेरी मम्मी ने इसी लड़के के साथ मेरी शादी की बात चलाई थी, पर नाबालिग होने की वजह से मेरी मम्मी ने शादी से मना कर दिया। फिर लड़के ने उसे फ़ोन पर बात कर शादी का झांसा देकर भगा कर ले गया। पुलिस ने आरोपी को भी मंदसौर से गिरफ्तार कर थाने लाकर कार्यवाही की है। इंदौर ब्यूरो राकेश सच्चर के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। आरोपी अपहरण का एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है, मैम क्या है सुना? पूरा मामला ये है कि हमारे यहाँ पे फरियादिया ने, जो पीड़िता की माँ है, अपहर्ता की माँ है, उसने रिपोर्ट किया कि उसकी लड़की को श्यामलाल भैला फुसला कर भगा कर ले गया है। और जब मामला संज्ञान में लिया गया, अपराध पंजीबद्ध किया गया, पीड़िता की तलाश की गई और टीम को भेजकर पीड़िता को मंदसौर से हम लेकर आए। उसके बाद में पीड़िता के बयान लिए तो बताया उसने कि शादी की बात चलाई थी मम्मी ने इसके साथ में, और शादी की बात चलाने के बाद में फिर मम्मी शादी करने के लिए तैयार नहीं हुई थी। इसे पीड़िता नाबालिग थी तो उसकी माँ का कहना था कि जब बालिग हो जाएगी तब हम शादी कर देंगे। फिर उसको वो लेके गया, उसने उसको बोला कि नहीं मैं तेरे से शादी करूँगा, उसने बोला कि मैं तेरे से ही शादी करूँगी। इस प्रकार से उसको शादी का झांसा दिया, उसको अपने साथ लेके गया है उसमें, और वहाँ से मंदसौर लेके गया था। वहाँ से हम पीड़िता को दस्तयाब करके लेके गए। आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है इसमें और उसको जेल पे पेश करना। आरोपी के खिलाफ ऐसा कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है पंजीबद्ध, और मजदूरी करता है आरोपी। आरोपी मूलतः दीपा खेड़ा, जिला मंदसौर का रहने वाला है। जैसा लड़की ने हमको बताया है बयान में, तो उसने बताया है कि अभी आरोपी ने उसके साथ में ऐसी कोई गलत हरकत नहीं की है। उपनिरीक्षक सरिता सिंह, थाना द्वारकापुर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।